कोई भी काज बिना राम जी को हृदय में रखे हुए पूर्ण नहीं हो सकता है। यही दास की नीति है कि दास को स्वामी को हृदय में रख करके ही कार्य करना चाहिए, तो वह दास कभी फेल नहीं होता है। कोई भी काम करने के पहले प्रचार नहीं, विचार करो। विचार करोगे, प्रचार अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले ही प्रचार ठोक दिए, एडवर्टाइजमेंट ले हो, बोलो सीताराम। फिर क्या, प्रचार हो जाता है, विचार होता नहीं है, काम फेल हो जाता है। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक और सीख सकते। हनुमान जी ने पांचों उंगलियों को एक करके मुक्का बना करके लंकिनी को मारा, वो भी विरक्त बन गई। मानो हनुमान जी ये कहना चाहते हो कि हमको सभी को अपने परिवार में, समाज में, अपने राष्ट्र में एकत्रित होकर रहना चाहिए, पर कोई भी विदेशी ताकतें हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक बात और सीखो। पूछो, क्या पूछो? सोते सब हैं, लेकिन जो काम में सोते हैं उन्हें रावण जगाता है, जो राम को हृदय में रखकर सोते हैं उन्हें हनुमान जगाते हैं। आज की कथा का पांचवा सूत्र, और अगर ये चार ना भी सीख पाओ, शायद तुम बिहारी आदमी आओ, खा पी के ज्यादा भात आ गए हो, चावल ज्यादा खब गए हो, पानी कम पिबो हो, पंडाल से निकरवे ना मिलो हो, कई जन के तो पसीना में मेकअप बहा गए, कई जन के कपड़ा बड़ी क्रेज में आए थे कि फोटो खींचे, ना फोटो खींची ना टीवी चली, कई लोग तो अच्छा, कई लोग हमने देखे हैं, कई लोगों की भक्ति बड़ी अद्भुत होती है कि उनके सामने कैमरा जाएगा, वो भी सीताराम 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 सीताराम, कैमरा ना जाए, कहो का ताली बजाओ और कैमरा चलो जा, तो ऐसे भी होते हैं। तो आज तो कुछ नहीं चल पाया, तो हो सकता तुम मन में खिन्न हो, लेकिन हम आपको कहेंगे चार बातें ना भी सीख पाओ तो पांचवी बात आज सुंदरकांड की सीखने योग्य है। क्या? हनुमान जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब लंका प्रवेश करते हैं तो लंका में सोने की चमक धमक में हनुमान जी नहीं फंसते, उस सोने की चमचमाती हुई नगरी में भी जानकी माता को देखते हैं। मानो इस संसार सागर की चमक दमक में हमें नहीं फंसना चाहिए, इस संसार की चमक दमक में भी हमें भक्ति की सतत खोज करते रहना चाहिए। जो इन पांच में से एक भी सूत्र आज का स्वीकार कर लेगा, उसे सुंदर कांड की महिमा समझ में आ जाएगी। सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि राम जी का बंदर भी सुंदर है। एक बात हो, छठवां सूत्र और लिखो, तुम्हारे काम आएगा। काम काज का बंदर नहीं होना चाहिए, राम काज का बंदर होना चाहिए। काम काज का बंदर केवल बंदर होता है, राम काज का बंदर भी सुंदर कांड की तरह सुंदर होता है। सातवीं सीख और लो सुंदर कांड से, घर में संकट हो, ऊपरी बाधा हो, हनुमान जी की कृपा पानी हो, तो आप लोग शनिवार अथवा मंगलवार को लाल पटे के ऊपर, एक पटा के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर राम दरबार का चित्र रख के दीपक जलाकर आप प्रातः काल 9 बजे से 2 बजे तक अथवा रात्रि में, मध्य रात्रि में सुंदर कांड का पाठ राम जी को बुला करके सुनाइए, आपका घर भी भवन भी सुंदर हो जाएगा। और जो आपको चाहिए उस चौपाई का संपुट लगा करके आप सुंदर कांड का पाठ करिए, तो आपको अप्राप्त वस्तु भी हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नियम पूर्वक हम लोग क्या करते हैं, 3 मंगलवार तो पढ़ लेते, चौथे मंगलवार सो जाते हैं, बोलो सीताराम। फिर कहते गुरु जी हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है, ठटरी के बरे कहां से हो जाए। हनुमान जी की कृपा तो तभी होगी जब सतत आप उनका ध्यान करोगे। तो सुंदर कांड का पाठ बड़ा ही ताकतवर है,
और हम कहते हैं सुंदरकांड का पाठ ना भी कर पाओ, आजकल तो मोबाइल चल गए, सुनो नहीं सुन पा रहे, तो सुंदर कांड की पुस्तक को प्रणाम भर करो और 5 दिन तक सुंदर कांड की कथा को सुनो। हमें भरोसा है आप लोगों को 5 दिन में सुंदर कांड का महत्व समझ में आ जाएगा।